Assalamu alaikum. I am Ikra from Zaj Department of Government College University, Hyderabad, and I am a student of BEDS 2021 of BA Zoology. Now I am talking about yesterday's field trip. Yani kal jo hamari field trip thi, main uske bare mein abhi baat karne lagi hu. Wo hamari jo trip thi, Thakho thi. Usme hamare 3 places the jahan main visit karna tha. Sabse pehle चिड़िया हैचरी, उसके बाद हालाजी लेक एंड इन लास्ट किंजर लेक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गए चिड़िया हैचरी में, जहां हमने फिशेस की स्टडी की और वहां हमें सर लेकर गए। कुछ पॉन्ड्स थे, खाली पॉन्ड्स थे, उनकी तरफ हमें लेकर गए, जो करीब 20 से 25 पॉन्ड थे। वहां जो गाइड थे उन्होंने हमें बताया कि इन पॉन्ड्स के अंदर वो एग्स की ग्रो अप कराते हैं, इनके एग्स की डेवलपमेंट करवाते हैं। वहाँ उस वक्त तो वो पॉन्ड खाली थे, लेकिन जब उन्हें एग्स को ग्रो करवाना होता है, फिशेस के एग्स को ग्रो करवाना होता है, वो फिर उन पॉन्ड्स को पानी महंगे पानी भरते हैं, पानी से फिल अप करते हैं, और उसके बाद उनमें तकरीबन 1 लाख के करीब एग्स डाले जाते हैं, जो कि उन्हें फिर प्रॉपर फूड दी जाती है और पानी का, सबसे पहले पानी का टेस्ट भी होता है। इनके सबसे पहले पानी का टेस्ट होता है, जो कि एक बायोकेमिस्ट पानी को टेस्ट करता है कि ये पानी जो है ये फिशेस के लिए सूटेबल है भी या नहीं, उसमें वो एग सर्वाइव कर सकेंगे। उसके बाद उनमें एग्स डाले जाते हैं, फिर तकरीबन वो 1 लाख के करीब होते हैं, उन्हें प्रॉपर फूड दी जाती है। फूड उनकी जो है, दो टाइप की फूड होती है यहाँ पर, एक होती है आर्टिफिशियल फूड और एक नेचुरल फूड। आर्टिफिशियल फूड बहुत महंगी पड़ती है उन्हें, और ज़्यादातर फूड जो यूज़ करते हैं वो नेचुरल फूड यूज़ करते हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र्स आ जाते हैं। फिर वो जैसे उनको एग्स में, पहले तो वो एग की फॉर्म में डालते हैं उन्हें फिशेस को, फिर उसके बाद जैसे ही उन्हें फूड और टेम्परेचर हर चीज़ मेंटेनेंस में मिल रही होती है, इनके प्रॉपर रेंज के अंदर जो उन्हें चाहिए होती है, उसके बाद तकरीबन 20 से लेकर 1 मंथ तक उनकी जो साइज़ होती है फिशेस की, वो 2 से 3 इंच तक वो उनकी साइज़ वो बढ़ जाती है, इनकी उनकी ग्रोथ इतनी हो जाती है। उसके बाद जो है फिशेस को वो अनदर पॉन्ड में ट्रांसफ़र करते हैं, उनकी मजीद ग्रोथ के लिए उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक अनदर पॉन्ड के अंदर, जहाँ पर वो फिशेस बड़ी होती हैं। वहाँ पे उन्हें टेम्परेचर, फूड, लाइट, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उन्हें हर चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल रही हो। और वहाँ पे हमने फिशेस को लिया, हमने अपने हाथों में लिया। वहाँ पर फिशरमैन थे जो कि पहले ही फिशेस को एक जाल में पकड़े हुए थे, जाल उनके हाथों में था। तकरीबन चार फिशरमैन थे जिनके पास वो जाल था, जिसमें बहुत सारी फिशेस थी, और वो फिशेस हमने देखी। उनका टेम्परेचर भी हमने उस वक्त नोट किया कि उस वक्त जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनका टेम्परेचर था, और उस पानी यानी कि जिस पानी में वो फिशेस थी उसका पीएच लेवल ऑलमोस्ट 8.69 था, एल्कलाइन था वो पानी। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी तकरीबन 34% थी, और लाइट एक नॉर्मल थी, और वो जो पानी था उसका कलर कुछ ग्रीनिश कलर था, ग्रीनिश कलर। इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद हम गए एक अनदर प्लेस थी उधरी चिड़िया हैचरी में, जहाँ पर छोटी फिशेस को अलग किया जा रहा था और उनके एग्स को अलग किया जा रहा था। उसके लिए बायफादर से एक निज़ाम बनाया हुआ था, और वहाँ पे जो है एक सेपरेट प्लेस था, सेपरेट जगह थी, जहाँ पर छोटे छोटे से टैंक लाइक एक स्ट्रक्चर बने हुए थे। उनकी तकरीबन 3 से 4 फुट वो गहरे थे नीचे, और ऊपर जो है उधर एक जाल लगा हुआ था। जाल पे एक एक जो टैंक था
उस पर एक एक जाल लगा हुआ था और उनके ऊपर कोई ग्लास के जग टाइप एक कुछ पड़े हुए थे। उनकी भी जो साइज़ होगी तकरीबन 1 फुट तक उनकी साइज़ थी और ऊपर से पानी के पाइप का सिस्टम लगा हुआ था जो कि साथ में मोटर भी लगी हुई थी और कुछ एक काफ़ी अच्छा निज़ाम बनाया हुआ था जहाँ से मोटर चलाने से फिर वहाँ से जो पाइप आ रहा था ऊपर से उसमें से पानी आता उस गिलास के अंदर, गिलास से फिर वहाँ जो है एग्स को वहाँ से अलग कर लिया जाता और फिशेस को अलग कर लिया जाता। कुछ फिशेस जो थी उनमें से नीचे टैंक में भी गिर रही थी, वो बाकायदा से नज़र आ रही थी। और जो है सारा जो भी प्रोसीजर है वो वहाँ पर मौजूद गाइड बता रहे थे और उन्होंने हमें ज़्यादातर जो बताया वो टिलापिया फिश जो उस टाइम वहाँ पर मौजूद थी उसके बारे में बताया। उधर जो जाल लगा हुआ था उसको जॉब जार कहते हैं, जॉब जार लगा हुआ था जहाँ पर फिशेस को और एग्स को अलग किया जा रहा था। जो टिलापिया फिश है उसकी लेंथ जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लेंथ 12 इंचेस होती है और उसकी जो विड्थ होती है वो 6 इंच होती है और उसका जो वेट होता है तकरीबन से ज़्यादा 1 kg होता है। और उसकी जो एक मेन खासियत ये भी थी एक जो कि इंतहा इंटरेस्टिंग भी लग रही थी कि 2 से 3 इंच की जो टिलापिया फिश है वो भी जो है एक एग्स दे सकती है और वहाँ पे ब्रीडिंग उनकी हो सकती है। और उन फिशेस को वो इंजेक्शन भी देते हैं जो थी इंजेक्शन ओवा पर्म इंजेक्शन कुछ इस तरह का उसका नाम था। और वो जो फीमेल फिश को दी जाती है 0.5 cc दी जाती है और मेल जो फिश है उसको 0.3 cc की करीब इंजेक्शन वो दी जाती है। उसके बाद हम मूव किए एक अनदर प्लेस जहाँ पर एक आर्टिफिशियली फिशेस की ग्रोथ के लिए एक निज़ाम बनाया हुआ था जो कि करीब करीब ही जो है इवॉल्व हुआ है। उसको हम जो है बायोफ्लॉक फॉर फिश यानी कि जहाँ पे एक आर्टिफिशियली एक जो है पॉन्ड बनाया हुआ था, एक प्लास्टिक पॉन्ड प्लास्टिक का उस पर कवरिंग लगी हुई थी, कोई नेट था, नेट वो भी कोई मेटल का नेट, उससे वो पूरा निज़ाम बनाया हुआ था। उसके अंदर फूड टेम्परेचर हर चीज़ को जो है मेंटेन किया हुआ था जहाँ पर आर्टिफिशियली फिशेस को ब्रीड कराया जा रहा था, इनके उनकी फिर ग्रोथ कराई जा रही थी उसी एक पॉन्ड के अंदर और हर चीज़ जो है वहाँ पे मेंटेन की गई थी। और उस बायोफ्लॉक की एक खासियत ये भी है, हम फिशेस को अपने घर में भी ग्रो अप करा सकते हैं उस पॉन्ड के थ्रू, इनके वो एक बिल्कुल सेफली इजी प्लेस है कि वो पॉन्ड जो बिल्कुल ईजी है उसे हम अपने घर में भी बना सकते हैं, अपने घर में या कहीं अगर घर में ना चाहें तो बाहर भी बना सकते हैं करीब जहाँ पे हम चाहें कि हम अपनी आंखों से फिशेस को बड़ा होता देखें और बाद में उन्हें अगर हम शौकीन अगर हैं फिशेस खाने के जो कहते हैं कि बाहर की फिशेस अच्छी नहीं है तो अपने घर में भी हम उसे बना सकते हैं यानी कि उनकी ग्रोथ करवा सकते हैं और फिर उस फिशेस को हम अपने एज अ फूड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चिलिया हैचरी के अंदर जो है दूसरा एक निज़ाम था कि वहाँ पर बच्चों को ट्रेंड भी किया जाता है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि फिशेस की ब्रीडिंग कैसे होती है, उनकी ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ होती कैसे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए, पूरे जो प्रोसेस को बताने के लिए वहाँ पर यानी कि ट्रेनिंग सिस्टम भी था। और फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स के रहने के लिए हॉस्टल भी था। बायोफ्लॉक की विज़िट करने के बाद हम हॉस्टल की तरफ गए कि हॉस्टल हमने देखा वहाँ पर जो है तकरीबन 3 माला हॉस्टल था और बहुत ही अच्छा निज़ाम वहाँ पर भी था और काफ़ी अच्छे जो है सहूलियात मौजूद थी, हर चीज़ जो है वेल डेवलप्ड थी। वहाँ पर स्टूडेंट जाके जो है फिशेस की ट्रेनिंग ले सकते हैं और एक गुड अपॉर्चुनिटी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट के लिए ये भी थी कि जूलॉजी के स्टूडेंट्स को स्पेशली वो बहुत जल्दी इनवाइट करेंगे, जो कुछ स्टूडेंट चंदे जाना चाहें वो वहाँ पर जाके फिशेस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। आफ्टर दिस हम
फिर जो है मूव किए टूवर्ड हालाजी लेक। हालाजी लेक जो है तकरीबन कोई एक डेढ़ घंटे का सफ़र था, एक डेढ़ घंटे का रास्ता था चिड़िया हैचरी से हालाजी लेक। हालाजी लेक जो है मशहूर है क्रोकोडाइल स्नैक्स और इस तरह के एनिमल्स से मशहूर है। वहाँ पर ज़्यादातर जो है ये एनिमल्स पाए जाते हैं और ये आर्टिफिशियल लेक है जो कि 1969 के बाद ये लेक बनी थी। इसको हम इसको जो है रामसर भी कहते हैं। रामसर इसका जो नाम पड़ा बेसिकली नाम रामसर एक सिटी है ईरान का। वहाँ पर एक जो है कन्वेंशन हुई थी हालाजी लेक की कन्वेंशन वहाँ पर हुई थी, इस वजह से इसका नाम जो है पड़ गया रामसर। इसको रामसर साइट भी कहते हैं। और इसकी जो एरिया है पूरा हालाजी लेक का जो पूरा एरिया है वो तकरीबन 1700 एकड़ लैंड है, यानी 1700 एकड़ लैंड में वो फैली हुई है। और उसकी जो चौड़ाई अगर हम देखें कि चौड़ाई कितनी है उस लेक की, तो तकरीबन 1800 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। और इसके अंदर ज़्यादातर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। और ये जो है इसमें जो पानी आ रहा है हालाजी के इसमें हालाजी में जो पानी आ रहा है वो किंजर लेक से आ रहा है। किंजर इसका मतलब कि किंजर लेक में भी हम क्रोकोडाइल आते हैं। बाय द वे वहाँ पर जो गाइड हो रहे थे उनका नाम था अशरफ अली, जो इंचार्ज थे हालाजी लेक के। और उनका जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है 6 ईयर्स। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा गाइड किया पूरा हालाजी के बारे में कि कौन कौन से इधर जो है एनिमल्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। मतलब हमने देखे वो मौजूद थे और कुछ और एनिमल्स भी, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स जो उस टाइम मौजूद नहीं होते जैसे चीता है और इस तरह के एनिमल्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, वो उस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उन सर ने हमें बहुत ही अच्छा गाइड किया अबाउट द हालाजी के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं कि उनमें जो वर्म्स हैं उनमें अर्थ वर्म और इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई और भी बहुत सारे पाए जाते हैं, स्नेल्स पाए जाते हैं फिशेस के अंदर, काफ़ी सारी फिशेस उन्होंने हमें बताई वो पाई जाती हैं एम्फीबियंस के अंदर। वहाँ उधर हालाजी के अंदर फ्रॉग्स, मोटर लीजर्ड, कमाडो लीजर्ड, सलेमेंडर्स, ईटीसी, ये सब एम्फीबियंस भी वहाँ पर मौजूद है। रेप्टाइल्स में जो उनका बहुत ही माना जाने वाला और जाना माना क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर टर्टल, पैथन और पार्क्यूपेन और भी बहुत सारे रेप्टाइल्स वहाँ पर मौजूद हैं। बर्ड्स में क्रो, सीगल्स, पीकॉक, डोवा, लाफिंग डोवा, कॉलर डोवा, पिजन्स, स्पैरोज, ईगल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे वहाँ पर बर्ड्स भी पाए जाते हैं। डॉग, कैट, फिशिंग कैट, कैट स्पेशी, जंगल कैट, हनी बंगल, ग्रिगल्स, फॉक्स, ये सारे मैमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे मैमल्स जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए एनिमल्स वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, वॉर्म्स, फिशेस और अदर मोर, यानी कि रिच ऑफ एनिमल्स, यानी कि वो जो प्लेस था हालाजी रिच ऑफ एनिमल्स, उसे कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। और हालाजी में हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था तकरीबन 1:50 PM पे हमने वहाँ पर पहुँचे। और उस वक्त वहाँ पे जो टेम्परेचर था 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड और पीएच लेवल जो था हालाजी लेक में जो वाटर था उसका पीएच लेवल था 7.94, ह्यूमिडिटी 31%, नॉर्मल लाइट थी उस वक्त, दिन का टाइम था, दिन की बिल्कुल ब्राइट लाइट थी उस वक्त। और वाटर का जो कलर दिख रहा था येलोइश ग्रीन वाटर का कलर था। और पानी जो आ रहा है वो किंजर से आ रहा है, यानी कि वो कनेक्टेड है किंजर से। वहाँ पर हमने एक तो बहुत ही प्यारा सा पीकॉक देखा, ब्लू और ग्रीन कलर का पीकॉक था, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, जो कि वहाँ पर उन्होंने
जो है उसको रखा हुआ था। एक ही पीकॉक था जो जवान के इंचार्ज थे, उनका कहना है कि हमने ये बाहर से मंगाया हुआ है, ये उधर मौजूद नहीं है। और क्रोकोडाइल्स जो स्पेशी वहाँ पे जब पाई जाती है, जैसे कि क्रोकोडाइल्स की स्पेशी अभी कम होती जा रही है, बहुत ही कम होती जा रही है, उस स्पेशी को बचाने के लिए, उसी को रिजर्व करने के लिए जो है वहाँ पे ये जो हालाजी थी, इनके हालाजी जो लेक है, ये आर्टिफिशियली बनाई गई है और उसमें क्रोकोडाइल्स को डाला गया। उस वक्त जो थे क्रोकोडाइल की तादाद बहुत ही कम थी, और अभी जो है रिच क्रोकोडाइल, इनके पूरा वो क्रोकोडाइल से भरा हुआ है। इस वजह से वहाँ पे करीब इनके वहाँ पर बोटिंग नहीं होती, वहाँ पे शिप्स वगैरह नहीं थी वो, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में क्रोकोडाइल्स हैं और बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो उससे बचाने के लिए, इनके पीपल्स की लाइफ सेविंग के लिए वहाँ पर जो है बोटिंग सिस्टम नहीं रखा गया। वहाँ जो हमने क्रोकोडाइल्स देखी वो सन बास्किंग कर रही थी, उस वक्त सन बास्किंग करते हुए उनको देखा गया, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही कहना था कि ये जो क्रोकोडाइल्स हैं ये एज अ मॉडल आर्टिफिशियली रखी गई है, एज अ मॉडल रखा गया है, ये जो है आर्टिफिशियली है, यानी कि ये जिंदा नहीं है। तो वहाँ पर मौजूद इंचार्ज ने वहाँ पर जो जैसे ही पत्थर मारा एक क्रोकोडाइल को, तो वो एकदम से जाकर पानी में गिरा। पहले वो सनबास्किंग कर रहा था और एकदम से जाकर पानी में गिरा। फिर हम सबको, जो भी वहाँ पर मौजूद थे, सबको यकीन आ गया कि वाकई ये मॉडल नहीं है, ये जिंदा क्रोकोडाइल सामने खड़ी हुई है। उनको जो लेक है उधर से अलग करके, इनके लेक से अलग एक छोटा सा पॉन्ड बनाया हुआ था, वहाँ पर रखी गई थी ताकि जो वहाँ आते हैं विजिटर्स वो देख सकें कि यहाँ पर क्रोकोडाइल मौजूद हैं अपनी। और काफ़ी बड़ी ह्यूज क्रोकोडाइल्स वहाँ पर थी, और साथ में वहाँ पर स्नैक्स और भी काफ़ी रेप्टाइल पाए जाते हैं, वहाँ पर टर्टल्स भी हैं, और भी काफ़ी जो है एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। हालाँकि के बाद हम आए, उनके हालाँकि के बाद हमने लंच किया। लंच के बाद जो हमारा नेक्स्ट विजिट था 3 बजे का, हमारा रिकॉर्डिंग टाइम था 5 PM, और उस वक्त वहाँ पर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 25 डिग्री सेल्सियस, pH लेवल वाटर का तकरीबन 6.42 के करीब था, ह्यूमिडिटी 40%, और लाइट वहाँ पे क्योंकि इवनिंग टाइम था, सूरज ऑलमोस्ट, सूरज जो है वो डूबने वाला था, तकरीबन डिम डिम लाइट थी, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं थी, डिम लाइट थी, और वाटर का कलर जो था ग्रीन ब्लूइश वाटर कलर था। हमारे पास इंजन लेके लिए क्योंकि टाइम बहुत कम था, जस्ट 1 आवर था, तो ज़्यादातर जो हमने एनिमल वगैरह वहाँ पर रिकॉर्ड किए, काफ़ी चीज़ें हैं। और 3 दिन के बाद जो है वापस हमारा रिटर्न, इनके आफ्टर 3 दिन वही रिटर्न बैक टू द कैंपस ऑफ GCUH।